Good morning students, this is Anil K. Sharma. Welcome you to the second part of the video, how to become Oracle DBA. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि DBA के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और वो जो मेरे इस वीडियो पे नए हैं मुझसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. टाइप्स ऑफ DBA, तो फर्स्ट टाइप ऑफ DBA इज Oracle DBA. तो Oracle DBA को सिस्टम DBA भी कहते हैं. तो Oracle DBA इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिबल पोजिशंस इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो Oracle DBA जो है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जो पोजिशन होती है वो मोस्ट डायनेमिक और रिस्पॉन्सिबल पोजिशन होती है. सिंस इट रिलेट्स टू फॉर्मिंग, अपग्रेडिंग एंड डिलीटिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो Oracle DBA की जो है डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिबल पोजिशन क्यों होती है, क्योंकि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटाबेस है उससे एसेंशियल इंफॉर्मेशन को वो डिलीट कर सकता है, उसको अपग्रेड कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को फॉर्म कर सकता है, उसको स्टोर कर सकता है और ऐसा करके वो सीनियर लेवल पीपल को असिस्ट करता है. सीनियर लेवल पीपल का मतलब एक कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप के एम्प्लॉयज जो है उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उनको Oracle DBA इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके असिस्ट करता है ताकि टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस के रिगार्डिंग इफेक्टिव डिसीजंस कन्वीनियंटली ले सके. तो Oracle DBA फोकसेस ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटाबेस रादर देन द बिजनेस एस्पेक्ट्स. तो Oracle DBA जो है वो डेटाबेस के टेक्निकल वाले एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है. तो टेक्निकल वाले एस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पर है कि कोर Oracle के सर्वर पर ज़्यादा वो फोकस करता है रादर देन बिजनेस एस्पेक्ट्स. तो बिजनेस एस्पेक्ट्स पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करता है. दे रेयरली एंगेज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन. अब डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है उसकी डिज़ाइनिंग में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो एंगेज नहीं होता है. तो नेक्स्ट जो है वो है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ Oracle DBA. तो Oracle DBA या सिस्टम DBA की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी होती है वो देखते हैं. तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है Oracle DBA की कि उसको 24/7 hours जो है सर्वर को अप करके रखना पड़ता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर द 24/7 hours सपोर्ट ऑफ Oracle प्रोडक्शन डेटाबेस सर्विसेज. यानी कि Oracle सर्वर से बहुत सारे एप्लीकेशन जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज़ होने वाले अलग अलग एप्लीकेशंस Oracle के सर्वर से जुड़े हुए होते हैं. अगर Oracle का सर्वर डाउन हो गया तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने डिपार्टमेंट के एप्लीकेशन जो है वो नहीं चलेंगे. तो सिस्टम DBA का सबसे बड़ा काम होता है कि Oracle के सर्वर को 24/7 hours जो है उसको अप करके रखना होता है. दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि Oracle डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने का काम सिस्टम DBA का होता है, उसको मेंटेन करने का काम सिस्टम DBA का होता है. तो जैसे मार्केट में 11G का जो है डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, 12C का जो है डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का काम जो होता है वो सिस्टम DBA का होता है. क्रिएटिंग स्टोरेज डेटाबेस स्ट्रक्चर्स विद हाई लेवल सिक्योरिंग फीचर्स. सिस्टम DBA क्या करता है, स्टोरेज डेटाबेस स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करता है विद हाई लेवल सिक्योरिंग फीचर्स के साथ. तो डेटाबेस स्ट्रक्चर्स क्या है, स्टोरेज डेटाबेस स्ट्रक्चर्स को कैसे क्रिएट करते हैं वो आगे के लेक्चर में जब हम 11G का डेटाबेस पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल्स में बताऊंगा. सेटिंग अप डेटाबेस यूज़र अकाउंट्स.
तो ओरेकल के सर्वर से जितने भी डेटाबेस के यूज़र्स कनेक्टेड होते हैं, जितने भी एंड यूज़र्स से कनेक्टेड होते हैं, तो उनके लिए जो है यूज़र अकाउंट्स क्रिएट करने का काम भी सिस्टम डीबीए का ही होता है। ट्रेनिंग यूज़र्स ऑन हाउ टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। तो सिस्टम डीबीए क्या करता है कि डेटाबेस से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है तो उस इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस करना है, तो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले यूजर्स को वो ट्रेनिंग भी देता है। फाइंडिंग एंड डिबगिंग माल फंक्शनिंग ऑफ प्रोग्राम्स अफेक्टिंग द डेटाबेस इंटीग्रिटी। अब डेटाबेस इंटीग्रिटी को अफेक्ट करने वाले प्रोग्राम्स की माल फंक्शनिंग को वो फाइंड आउट करता है और उसको फिक्स करता है, सही करता है। तो डेटाबेस इंटीग्रिटी का यहाँ पर मतलब है कि अपने अपने डिपार्टमेंट से जो एम्प्लॉई है इंफॉर्मेशन को अपने एप्लीकेशन से जब फेच करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर आनी चाहिए। तो अगर वो प्रॉपर नहीं आ रही है तो उससे रिगार्डिंग जो प्रोग्राम्स वगैरह है उस प्रोग्राम्स में कोई एरर आ गई है तो उस एरर को फाइंड आउट करना, उसको फिक्स करना, करेक्ट करना, ये काम भी सिस्टम डीबीए का ही होता है। क्रिएटिंग ऑटोनोमस डेटाबेस बैकअप्स। डेटाबेस बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस बैकअप वगैरह कैसे लेते हैं, ये सारा काम सिस्टम डीबीए का होता है। तो डेटाबेस बैकअप्स को हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। परफॉर्मिंग डेटाबेस रिकवरी, डेटाबेस की रिकवरी कैसे परफॉर्म करते हैं, तो ये भी हम आगे के लेक्चर में डिटेल्स में देखेंगे। ओरेकल एप्स डीबीए। तो ओरेकल एप्स डीबीए मतलब ओरेकल एप्लीकेशन डीबीए, ओरेकल एप्लीकेशन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ओरेकल एप्स डीबीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ट्रेनिंग कोर्स अंडर ओरेकल डेटाबेस। तो ओरेकल डेटाबेस में ओरेकल एप्लीकेशन डीबीए जो है वो एक मोस्ट डिमांडिंग ट्रेनिंग कोर्स है। तो ओरेकल एप्स डीबीए जो है ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सोनेल इन बिजनेस इंडस्ट्री। तो ओरेकल एप्स डीबीए जो है वो बिजनेस इंडस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनल होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय होता है, हु पजेस स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सपर्टाइज लेवल की नॉलेज होती है एंड ऑपरेटिंग ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर, और ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर को ऑपरेट करने में भी एक्सपर्टाइज लेवल की उसकी नॉलेज होती है। ही ऑल्सो हैज़ स्किल्स एंड एबिलिटीज इन डेटाबेस डिज़ाइन। उसको डेटाबेस डिज़ाइन करने में काफ़ी स्किल्स होती है और ओरेकल एप्लीकेशन जैसे कि CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सारे एप्लीकेशंस की उसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है विद फंक्शनल एक्सपर्टाइज के साथ। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन SQL एंड PLSQL फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। तो ऑफ कोर्स ओरेकल एप्लीकेशन डीबीए जो सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को डिज़ाइन करता है, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर और उसके एप्लीकेशन को डिज़ाइन करता है, तो उसको SQL की एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज होती है, PLSQL की उसको नॉलेज होती है, फॉर्म्स और रिपोर्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ही इम्प्लीमेंट्स एप्लीकेशन बिजनेस लॉजिक। ओरेकल एप्स डीबीए क्या करता है, एप्लीकेशन बिजनेस लॉजिक को क्रिएट करता है, उसको अप्लाई करता है, जिसके लिए SQL की कोडिंग को वो यूज़ करता है, PLSQL की कोडिंग को यूज़ करता है अलॉन्ग विद अनदर लैंग्वेज, और दूसरे लैंग्वेज की भी हेल्प लेता है। तो नाउ रिक्वायरमेंट्स फॉर बिकमिंग ओरेकल एप्स डीबीए। ओरेकल एप्स डीबीए बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो ओरेकल एप्स डीबीए को गुड नॉलेज होनी चाहिए इन OS ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइक लाइनेक्स, विंडोज, ETC, एज ओरेकल सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन इट। तो ओरेकल एप्स डीबीए को ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनेक्स, विंडोज,
अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी नॉलेज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है वो लाइनेक्स और विंडो के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है। तो गुड नॉलेज इन एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल, फॉर्म्स, रिपोर्ट एंड ए लिटिल बिट अबाउट जावा। उसको एसक्यूएल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पीएलएसक्यूएल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और उसको जावा की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरेकल कोर डेटाबेस आर्किटेक्चर एंड कॉन्सेप्ट्स। तो ओरेकल का जो थ्योरी वाला जितना भी पार्ट है, जिसमें हम ओरेकल का आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, उसका सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो उसकी उसको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक ओरेकल एप्स डीबीए को बिजनेस की भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को ही वो इम्प्लीमेंट करता है कोडिंग के थ्रू। तो अगर उसे बिजनेस समझ में नहीं आता है तो वो कोडिंग को भी नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ तक सारा था ओरेकल एप्स डीबीए के बारे में ना। नाउ डेटाबेस आर्किटेक्ट। तो डेटाबेस आर्किटेक्ट जो है, ही इज इन्वॉल्व इन द ओवरऑल डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस आर्किटेक्ट जो है वो डेटाबेस की डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में इन्वॉल्व होता है। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इन्फॉर्मेशन को जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कैसे रखते हैं, इन्फॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में कैसे स्टोर करते हैं, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। तो वो सारा डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो है वो डेटाबेस आर्किटेक्ट करता है। ए डेटाबेस आर्किटेक्ट नीड्स टू गॉस द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड डिसाइड हाउ बेस्ट टू डिज़ाइन द डेटाबेस टू केटर द बिजनेस नीड्स। तो एक डेटाबेस आर्किटेक्ट को बिजनेस की नीड्स को फुलफिल करने के लिए डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन करना है, कितनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करना है, ठीक है, वो सारा काम डेटाबेस आर्किटेक्ट का होता है। तो एक डेटाबेस आर्किटेक्ट को बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। परफॉर्मेंस एनालिस्ट डीबीए। तो परफॉर्मेंस एनालिस्ट डीबीए जो होता है, ही फोकसेस ऑन डेटाबेस परफॉर्मेंस। तो डेटाबेस परफॉर्मेंस क्या है कि अपने अपने डिपार्टमेंट से एम्प्लॉई अपने जो है पीसी से कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करता है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर आनी चाहिए और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको कहते हैं डेटाबेस परफॉर्मेंस इश्यूज। तो इस तरह के डेटाबेस परफॉर्मेंस इश्यू पे परफॉर्मेंस एनालिस्ट फोकस करता है, वर्क करता है। तो परफॉर्मेंस एनालिस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द डेटाबेस परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस एनालिस्ट का जो काम होता है वो डेटाबेस के परफॉर्मेंस को जो है कॉन्स्टेंटली वो मॉनिटर करना होता है, और अगर कहीं भी उसको कोई एरर नज़र आती है तो उस एरर को फिक्स करता है, करेक्ट करता है। बॉटलनेक्स इंक्लूडिंग एसक्यूएल कोडिंग दैट रिजल्ट्स इन परफॉर्मेंस इश्यूज। तो अगर परफॉर्मेंस इश्यूज में एसक्यूएल की कोडिंग के थ्रू कोई एरर आती है तो उस एसक्यूएल की कोडिंग वाले एरर को वो फिक्स करता है, करेक्ट करता है एंड हैंडल परफॉर्मेंस ट्यूनिंग टास्क। तो कुल मिला जुला करके परफॉर्मेंस एनालिस्ट का काम जो होता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग टास्क का होता है। नेक्स्ट डीबीए जो है वो है टास्क ओरिएंटेड डीबीए। तो टास्क ओरिएंटेड डीबीए जो होता है, ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन होता है, वो नॉलेजेबल स्पेशलिस्ट होता है। वो फोकसेस ऑन स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट डीबीए टास्क, जो डीबीए के इम्पॉर्टेंट टास्क पे वर्क करता है, जैसे कि बैकअप, रिकवरी, ऐसे टास्क पर जो है टास्क ओरिएंटेड डीबीए वर्क करता है। नेक्स्ट है डेटाबेस एनालिस्ट। द रोल इज समवॉट सिमिलर टू दैट ऑफ ए डेटाबेस आर्किटेक्ट। यानी कि डेटाबेस एनालिस्ट जो है
जो डेटाबेस आर्किटेक्ट जो काम करता है उसी के काम से जो है समवॉट सिमिलर होता है इसका काम। तो डिजाइनिंग वाले पार्ट पे जो है डेटाबेस एनालिस्ट वर्क करता है। नाउ द नेक्स्ट इज डेटा मॉडलर। तो डेटा मॉडलर क्या करता है, ही परफॉर्म्स डेटा मॉडलिंग फॉर ए पर्टिकुलर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। अब एक बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, तो उस बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को जो है एक मॉडलिंग के थ्रू प्रेजेंट करने का काम जो होता है वो डेटा मॉडलर का होता है। हिज और हर टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग कलेक्टिंग एनालाइजिंग डेटा रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइनिंग कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल डेटा मॉडल्स। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि डेटा के रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना, डेटा के रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना और एनालाइज करके डेटाबेस की डिजाइनिंग करने के लिए डेटाबेस का कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल डेटा मॉडल्स तैयार करना। तो ये डेटाबेस का जो है कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल डेटा मॉडल्स हम जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है ये सारा समझ में आएगा। लास्ट कैटेगरी जो डीबीए की है वो है डेटा वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटा वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, ही मेंटेन्स ए डेटा वेयर हाउस फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस बीआई एंड एनालिटिकल पर्पस। यानी कि एक कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होता है डेटा वेयर हाउस में, और डेटा वेयर हाउस को मेंटेन करने का काम जो होता है वो डेटा वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। तो दिस टाइप ऑफ डीबीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एंड कॉन्फिगरिंग डेटा वेयर हाउस। तो इस तरह का जो डीबीए है वो क्या करता है, डेटा वेयर हाउस को कॉन्फिगर करता है, उसको सेट करता है, उसमें ईटीएल प्रोसेस को भी सेट करता है। तो ईटीएल प्रोसेस क्या है, डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, डेटाबेस को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, डेटाबेस को लोड कैसे करना है। तो ये सारा काम जो है डेटा वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेटर करता है और डेटा वेयर हाउस की बीच बीच में मेंटेनेंस करने का काम भी डेटा वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेटर का ही होता है। तो वीडियो का ये सेकंड पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब वीडियो के थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि एक डीबीए और डेवलपर बनने के लिए जो है क्या क्या स्किल्स के रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, और ओरेकल डेटाबेस के रिगार्डिंग डीबीए और डेवलपर बनने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर कौन कौन से सर्टिफिकेशंस होते हैं वो बताऊंगा, और लास्ट में बताऊंगा कि ओरेकल डीबीए या डेवलपर का सैलरी पैकेज क्या होता है।